मित्रों, 24 सितंबर 2014 यानी आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम दिन है। आज मंगल का मिलन मॉम से हुआ। ये ऐतिहासिक पल हम सब भारतवासियों के लिए गर्व करने योग्य है। भारत का विज्ञान तो पुरातन काल से विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज की सफलता ने वैज्ञानिकों की कामयाबी का एक और अध्याय लिख दिया। भारत के वैज्ञानिक और इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई। मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर किस प्रकार पहुंचा, इसको जानने से पूर्व ये आवश्यक है कि हम ये जाने पहले कि मंगल ग्रह क्या है। मंगल ग्रह का नाम ग्रीक शब्द आर्क से लिया गया है, जिसका मतलब है गॉड ऑफ वार यानी कि युद्ध का देवता। इसका लाल रंग इसकी विशेषता है, जिसकी वजह से इसका नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। इस ग्रह पर पाई जाने वाली मिट्टी में जंग लगे हुए लौह मिले होने के कारण पूरी तरह लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह आकार में सातवां बड़ा ग्रह है और वजन में पृथ्वी के वजन का 10वां भाग है। इसका तापमान -207 डिग्री से +81 डिग्री तक जाता है, अर्थात यहाँ पर खूब ठंड पड़ती है या खूब गर्मी पड़ती है। सूर्य के चारों ओर ये 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसके दो चंद्रमा हैं, जिनके नाम फोगोस और डेमोस है। डेमोस से फोबोस थोड़ा बड़ा है, जो सतह से 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है, जो 100 वर्ष में मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। मंगल का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा होता है। मंगल और धरती लगभग 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। उस दौरान दोनों के बीच की दूरी 5,60,00,000 किलोमीटर होती है। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखाई देती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वेलेस मेरी नेरिस भी यहीं पर स्थित है। मंगल एक रेगिस्तान की तरह है, इसलिए अगर कोई मंगल पर जाना चाहे तो उसे बहुत ज्यादा पानी लेकर जाना होगा। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आया था और कितने समय तक रहा तथा कहाँ चला गया। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का एक तिहाई है। इसका मतलब यह है कि मंगल पर कोई चट्टान अगर गिरे तो धरती के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से गिरेगी। किसी व्यक्ति का वजन अगर धरती पर 100 पाउंड हो तो कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से मंगल पर उसका वजन सिर्फ 37 पाउंड होगा। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है, फिर भी संभावनाओं की तलाश जारी है। मंगल ग्रह सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों को शामिल करता है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टान बनाते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्यतः थोलेटिक बेसाल्ट की बनी हुई है। हालांकि ये हिस्से प्रारूपिक बेसाल्ट से अधिक सिलिका संपन्न है और पृथ्वी पर मौजूद एंडेसिटिक चट्टानों या सिलिका ग्लास के समान हो सकते हैं। 28 नवंबर को हर साल रेड प्लैनेट डे यानी मंगल ग्रह के नाम का एक दिन मनाया जाता है। 28 नवंबर 1964 को स्पेस क्राफ्ट मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था, जो अपने 228 दिन के मिशन में पहली बार हमारे लिए इस लाल रंग के खूबसूरत ग्रह मंगल की तस्वीर लेकर आया था। ये मंगल की पहली और सफल यात्रा थी, अतः इसकी याद में इस दिन को
रेड प्लेनेट डे के नाम से मनाया जाने लगा। मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि धरती पर जीवन संबंधी तत्व मंगल से ही आया है। मार्स ऑर्बिटर की सफलतापूर्वक यात्रा का संक्षिप्त परिचय। भारत के मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को ध्रुवी रॉकेट के माध्यम से दोपहर 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, जिसके बाद मंगलयान विधि पूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया। भारतीय अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के राधा कृष्णन ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि PSLV का ये 25वां प्रक्षेपण है और ये नए तथा जटिल अभियान प्रारूप के तहत किया गया है। लगभग 1340 किलोग्राम वजनी यान का निर्माण पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से किया गया है। उपग्रह में ऐसी प्रणालियां हैं जिसमें यान खुद निर्देशित होगा और अपनी गलतियां स्वयं सुधार लेगा। इसमें नेविगेशन प्रणाली है, यानी कि मार्ग भटकने पर वो स्वयं रास्ता तलाश लेगा, क्योंकि रॉकेट से अलग होने के बाद मंगलयान को लंबा सफर तय करना था। मार्स ऑर्बिटर मिशन अंतरिक्ष यान को 8 नवंबर 2013 को दूरस्थ बिंदु पृथ्वी से सबसे दूर का बिंदु 28,614 किलोमीटर से 40,186 किलोमीटर पर उठा दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 9 नवंबर 2013 मार्स ऑर्बिटर यान को कक्षा से बाहर निकालने की तीसरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली। 707 सेकंड के वन टाइम के साथ अंतरिक्ष यान को दूरस्थ बिंदु यानी धरती से सबसे ज्यादा दूरी का बिंदु 40,186 किलोमीटर से उठाकर 71,636 किलोमीटर पर स्थापित कर दिया गया। मार्स ऑर्बिटर यान के अभियान में 11 नवंबर 2013 को चौथी प्रक्रिया में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई, परंतु 12 नवंबर को सफलतापूर्वक चौथी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। चौथी प्रक्रिया ने यान को 124.9 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान की। लगभग एक महीने तक पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएशन यानी कि SOI में चक्कर लगाने के बाद मार्स ऑर्बिटर मंगल ग्रह की लंबी यात्रा पर करोड़ों लोगों की शुभकामनाओं के साथ 1 दिसंबर 2013 को रवाना हो गया। इस प्रकार इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान को लाल ग्रह की तरफ भेजने का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ऑर्बिटर को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर मंगल के पथ पर डालने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। पूरी तरह गणित पर आधारित इस काम में जरा सी भी चूक किए किराए पर पानी फेर सकती थी। पृथ्वी के प्रभाव से मुक्त करने के लिए इसमें लगी 440 न्यूटन लिक्विड APOGEE मोटर को फायर किया गया, जो सफल रहा। इस प्रक्रिया को ट्रांस मार्स इंजेक्शन यानी कि TMI का नाम दिया गया। ये प्रक्रिया इसलिए भी जटिल है क्योंकि खास पथ बिंदु पर से इस यान को पृथ्वी की कक्षा से मंगल की राह पर धक्का दिया गया। यान को 648 मीटर प्रति सेकंड का गतिशील वेग प्रदान करने के लिए 440 न्यूटन तरंग इंजन को 23 मिनट तक चलाया गया। इसमें 190 किलोग्राम ईंधन की खपत हुई। यान को मार्स ट्रांसफार्मर प्रोजेक्टरी में उतने ही वेग से भेजा गया जितना उसे पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। यान ने अपनी यात्रा सही दिशा में शुरू कर दी। भारत ने इस अभियान में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि बाकी देशों की अपेक्षा सबसे किफायती रहा। इसरो के मंगलयान ने अपने कैमरे में पहली तस्वीर कैद की, जिसमें आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे भीषण चक्रवाती तूफान हेलेन की फोटो थी। 19 नवंबर 2013 को खींची गई ये तस्वीर 21 नवंबर 2013 को जारी की गई। मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्षयान पर लगे मार्स कलर कैमरे से 67,000
975 किलोमीटर की ऊंचाई से ये फोटो ली गई थी। मंगलयान में 5 यंत्र लगे हुए हैं। पहला मिथेन सेंसर जो कि लाल रंग के वातावरण की गैसों का विश्लेषण करेगा। दूसरा है कंपोजिशन एनालाइजर, इसका कार्य है वातावरण का अध्ययन करना। थर्ड है फोयोमीटर, ये ग्रह के ऊपरी वातावरण में हाइड्रोजन आदि की मात्रा के बारे में शोध करेगा। फोर्थ है कलर फोटो कैमरा, ये ग्रह के धरातल की फोटो लेगा तथा मंगल पर स्थित उपग्रहों फोबस और डेमोस के चित्र भी लेगा। फिफ्थ है इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये लाल ग्रह की सतह पर मौजूद तत्वों और खनिजों के आंकड़े जमा करेगा। इसरो के मंगलयान ने 2014 फरवरी की 12 तारीख को अंतरिक्ष में अपने 100 दिन पूरे कर लिए थे। संतुलित गति से मंगल की तरफ बढ़ते हुए मंगलयान ने 9 अप्रैल तक ही आधी दूरी तय कर ली। इसके बाद जून में इसकी दिशा में एक बार और सुधार किया गया। 14 और 15 सितंबर को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित होने से संबंधित जरूरी कमांड भेजे गए। 22 सितंबर को करीब सुबह 9 बजे मंगलयान लाल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया। इसके करीब 5.5 घंटे बाद यान के लिक्विड एपोजी मोटर यानी तरल इंजन का 4 सेकंड तक चलाकर परीक्षण किया गया। ये अहम टेस्ट था क्योंकि इस इंजन को करीब 300 दिन बाद चलाया जा रहा था। करोड़ों लोगों की जिज्ञासा का केंद्र मंगलयान अपनी यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहा। 24 सितंबर की सुबह 7:17 और 32 सेकंड पर इसरो ने यान को धीमा करने के लिए उसका तरल इंजन एक्टिवेट किया। सुबह करीब 8 बजे मंगलयान का संदेश इसरो को प्राप्त हुआ, जिसके बाद इसकी सफलता की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलयान की सफलता को करीब से देखने के लिए इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद रहे और जैसे ही सफलता की पुष्टि हुई उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को कोटि कोटि बधाई दी। मंगल अभियान की सफलता के महानायक हैं के राधाकृष्णन जो कि इसरो के प्रमुख हैं, कर्नाटक संगीत और कथक कली में पारंगत राधाकृष्णन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान के तत्कालीन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इनके अलावा इस अभियान से जुड़े अन्य महानायक हैं विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक एस रामाकृष्णन, आपके पास रॉकेट पोलर सैटेलाइट को छोड़ने की जिम्मेदारी थी, एम अन्नादुराई मार्स ऑर्बिटर कार्यक्रम के निदेशक रहे, आपको बजट प्रबंधन तथा कार्यक्रम प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ए एस किरण कुमार, एम वाई एस प्रसाद, एस के शिव कुमार, पी कुही कृष्णन जैसे महानायकों के साथ लगभग 1,00,000 वैज्ञानिकों ने मंगलयान की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिशन मंगल से अनेकों लाभ हैं। मंगल पर मिथेन, हाइड्रोजन तथा अन्य खनिजों की संभावना है। यदि भविष्य में मंगल पर ये खनिज मिलते हैं तो रूस, अमेरिका, यूरोप के साथ भारत भी इस पर अपनी दावेदारी स्थापित कर सकता है। इस यान की सफलता से अंतरिक्ष में छुपी जानकारियों का मार्ग प्रशस्त हुआ है और युवा वैज्ञानिकों के मन में नई खोज के प्रति जोश उत्पन्न हुआ है। यदि कभी मंगल पर बस्ती बसाने की योजना हुई तो भारत भी वहां अपनी कॉलोनी बना सकता है। मंगल की अपनी सफल यात्रा से भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी भी अमेरिका की नासा, रूस की रॉसकॉस्मस की श्रेणी में शामिल हो गई है। इसी के साथ भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल अभियान को पूरा कर लिया और एशिया में ऐसा पहला देश है जिसने मंगल पर अपने अभियान को सफल बनाया है। मंगल का सफलतापूर्वक सफर आगे भी मंगलमय हो तथा हमारा देश ऐसे ही आगे भी सफलता की इमारत लिखे, यही शुभकामना करते हैं। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड
जीके टॉपिक्स पर सीडी या डीवीडी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई सीडी भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voicefor blind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद, ओटी बधाई। मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर किस प्रकार पहुंचा, इसको जानने से पूर्व ये आवश्यक है कि हम ये जाने पहले कि मंगल ग्रह क्या है। मंगल ग्रह का नाम ग्रीक शब्द आर्क से लिया गया है, जिसका मतलब है गॉड ऑफ वार, यानी कि युद्ध का देवता। इसका लाल रंग इसकी विशेषता है, जिसकी वजह से इसका नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। इस ग्रह पर पाई जाने वाली मिट्टी में पूरा करता है। इसके दो चंद्रमा हैं, जिनके नाम फोगोस और डेमोस है। डेमोस से फोगोस थोड़ा बड़ा है, जो सतह से 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फोगोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है, जो 100 वर्ष में मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। मंगल का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा होता है। मंगल और धरती लगभग 2 साल जंग लगे हुए लौह मिले होने के कारण पूरी तरह लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है और वजन में पृथ्वी के वजन का 10वां भाग है। इसका तापमान -207 डिग्री से +81 डिग्री तक जाता है, अर्थात यहाँ पर खूब ठंड पड़ती है या खूब गर्मी पड़ती है। सूर्य के चारों ओर ये 687 दिन में एक चक्कर। मित्रों, 24 सितंबर 2014 यानी आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम दिन है। आज मंगल का मिलन मॉम से हुआ। ये ऐतिहासिक पल हम सब भारतवासियों के लिए गर्व करने योग्य है। भारत का विज्ञान तो पुरातन काल से विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज की सफलता ने वैज्ञानिकों की कामयाबी का एक और अध्याय लिख दिया। भारत के वैज्ञानिक और इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को कोटि काल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। उस दौरान दोनों के बीच की दूरी 5,60,00,000 किलोमीटर होती है। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखाई देती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोंस मंगल पर